पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हेलो, अब पढ़ लिया था मैं यार दोस्त, क्यों नहीं उठाई मैंने तुम्हारी तो कॉलेज तीन, वो पढ़ लिया था मैं 100 मरतबा, एक तस्वीर रह गई थी पढ़ने की, वो पढ़ लिया था एक तस्वीर रह गई थी पढ़ने की। अच्छा तस्वीर पढ़ लिया था? हाँ तस्वीर पढ़ लिया था मैंने, क्या ये पूरी कर लूँ तो जब उठाऊंगा। और क्या हो रहा? बस बढ़िया बैठे हैं यार दोस्त। हुआ ये है, हाँ आने वाले समीकरण का आपको तो पता है नहीं? हाँ ना 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 मुझे पता, ना 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 पता कुछ नहीं, ना ना मुझे नहीं पता यार दोस्त। आने वाले 22 में क्या रहेगा आपको नहीं पता? हाँ आप तो ये सोच रहे समाजवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद सही बात है, मगर मैं आपको एक क्वेश्चन को दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात, वो क्या करे वो तो जाने वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मगर अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया दुनिया में। बिल्कुल 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 दिया, तुम इसका इस्तेमाल करो बिल्कुल, और मुझसे दुआ करो बिल्कुल, चलने वाली जात मेरी है, मेरी है बिल्कुल सही बात है, और मैंने तुम्हें दिमाग दिया इससे गुणा भाग करो इससे। बिल्कुल 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 है ना, बिल्कुल। तो मैं तुम्हें बताऊं तेरी समझ में बात आ जाएगी चंदन, मगर बिल्कुल 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 समझाओ समझाओ। ओवैसी, शिवपाल और मायावती और छोटे जितने दल हैं वो ये सब एक हो जाएंगे सही, और मुसलमान गारंटी ले ले मुझसे साइन करा ले, किस पे जाएगा? धुआंधार ओवैसी पे वोट डाल लेना, ओवैसी पे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मायावती पुलिस चमार, चमार पीएस मोमडन गारंटी से सीट जीतेंगी सारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मुसलमान और जाटा मिलके धुआं उड़ा देगा धुआं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, समझ गया मेरी बात। और शिवपाल भी रहेगा, यादव भी आएगा इसके अंदर की वजह से, और छोटे छोटे से जो दल है ना, पार्टी और फलानी पार्टी और ढिकानी पार्टी पार्टी ये 24 मार जाएगी, सपा खड़ी रह जाएगी एक तरफ को किनारे पर। सपा को 40-45 सीटें मिली ना, नसीब ना होंगी वो भी वापस। मेरी बात आज तू, और हाँ एक बात तो भूल गया, आजम खान जब तक जेल में जब तक सपा का, जब तक सपा का आजम खान पारे निकलते हुए ऐसी का। अच्छा देख मैं तुझे बहुत बारीकी की बात बता दिया, ये जिक्र करने की बात नहीं। अच्छा अच्छा, आजम खान जब तक जेल में वो रामायण पढ़ेगा इसकी समाजवादी की, और जेल से जिस दिन बाहर निकलेगा अखिलेश को कुत्ता बना के और मुलायम सिंह के पट्टा डाल के घुमागा, क्यों उसका बेड़ा गर्क करा दिया उन्होंने घर का पूरे। सही बात है, और मैं बता दूंगा तुझे आज मेरी बात ये पूरी पूरी लाइन लिख के पढ़ते में बचान पर रख दे जा सलाउद्दीन। सही कह रहा हूँ, और फिर उतार के पढ़ लिए तुझे क्या। सही कह रहा हूँ, मैं तुझे गुणा भाग करके बता रही आज मैंने तुझे बारीक की हुई, जैसे कहना है LIU रिपोर्ट या ABI रिपोर्ट वो दी मैंने तुझे। हम कहाँ को जाएं बिन, सुन तो ले आजम बारे आते ही। और एक बात और बता दूं, आजम 2022 में इलेक्शन से 2-4 दिन 10 दिन महीना भर पहले निकलेगा। अच्छा, गारंटी के साथ। अच्छा हाँ ये बता दूं मैं तुझे। ठीक है, दे दिए थे मैंने मस्जिद में, दे दिए थे मैंने मस्जिद में, दे दिए थे बेटे। फिर हम क्या करें हैं, हम क्या करें, क्या करें? पहले इसका गुणा भाग कर ले रहा आपको लेके। अच्छा फिर बता दूंगा क्या करें, कर ले गुणा। और वहाँ कांग्रेस के सुन ले, कांग्रेस को कुछ नहीं होगा यहाँ, ये कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे किसी हाल में, वैसी और किसी हाल में भी, क्योंकि कांग्रेस काटेगी हिंदू का वोट, कांग्रेस हिंदू वोट काटेगी, ये गठबंधन नहीं करेंगे, माफ करना। और अखिलेश को यादव दे नहीं दिया, अखिलेश को यादव वोट दे दिया, माफ करना। हाँ सही कह रहा हूँ, हाँ बीजेपी वोट देगी, बीजेपी को देगा जाता हो, मेरे बेटे मुसलमान का वोट जाएगा ओवैसी पे, हाँ झमके बजा देगा ओवैसी की भीड़ देखिए तो। फिर ओवैसी के साथ चले हैं, समझा नहीं तू बात मेरी है, अभी कहीं मत जा। अच्छा रात को लेट से गुणा भाग कर पहले। अच्छा जब मैं जो कह रही हूँ वो तेरे कयास में या गुणा भाग में आ रही बात नहीं आ रही, फिर करिए बात, फिर बताऊंगा तुझे। सर बहुत बड़ा दल जाएगा, बड़ा खतरनाक, ये बड़ा दबंग,
नहीं समझे, और वैसी स्थिति रहेगी कम से कम 200 150 रहेगी, वैसी की 150 रहेगी, यहाँ तो देखिए मेरी बात, और इसकी रहेगी मायावती की 200, और 50 में रहेंगे शिवपाल और अनिला मुनिरा पीस पार्टी, 10 पीस पार्टी को, 20 शिवपाल को, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे रहेंगी 200, 400, 300 सीटों पर लड़ेंगे, और देख तो सही वैसी की धमाकेदार तकरीर और आजम खान की चिथड़े उड़ाने की इसकी अस्तफा के चिथड़े, आजम खान जब बयान करेगा ना बाहर निकल के ये दोस्तों ये सपा इसने मुझे बर्बाद किया, इसने बंद कराया, ठीक है यूनिवर्सिटी तुड़वाई है दोस्तों, बाजा बजा देगा तेरी जाली का, ये अंदर से आजम खान से मिलकर आया हुआ ऐसे तुझे पता नहीं है बात ना, आजम खान से मुलाकात हुई वैसे की, अच्छा हाँ, और मायावती से भी, अच्छा मायावती से तो बहुत जंग चल रही, वैसे की मायावती से जंग चल रही, क्योंकि अच्छा वैसे मानता है अम्बेडकर को, अम्बेडकर को ना मानता हूँ वैसे, हाँ हाँ मानता मानता, फिर ये चल रही मैं तुझे बताऊ और बताऊ, चंद्रशेखर आजाद है ना, वो भी वैसी के पास आ गया, वो भी वैसी के साथ रहेगा, अच्छा अब बहुत खतरनाक इलेक्शन होगा तू देख लिए, सपा का सपाया हो जाएगा तू ये देख लिए, अच्छा सपा और कांग्रेस का बीज बीज रहेगा यहाँ, कांग्रेस जो है ना उसे भी सीटें नहीं मिलेंगी, ज्यादा मिलेंगी मगर ज्यादा नहीं मिलेंगी, और हिंदुओं के वोट काटेगी कांग्रेस दबा के, अच्छा हाँ दबा के काटेगी हिंदुओं के वोट, क्योंकि जिन्हें वो मुसलमानों को टिकट देगी ना उन्हें वोट मिलेगा नहीं मुसलमानों का, और हिंदुओं का घाट लेगी वो गाली, और यादव सपा को देगा नहीं देगा बीजेपी को, तो इसलिए मुकाबला होगा मायावती प्लस आजम खान प्लस शिवपाल प्लस ओवैसी प्लस चंद्रशेखर आजाद प्लस और प्लस और प्लस और हो सके वो भी आ जा तेरा अजीत सिंह, उसी में वो चाहिए मेवा अजीत सिंह को दे दी इन्होंने 15 सीटें तो वो भी इसमें घुस जाएगा, सब दल एक हो जाएंगे, ये मैं बताऊं तुझे, इन्हें खड़ा छोड़ दे कांग्रेस को अखिलेश को तो देख लिए, इन्हें कहना जज जय अखिलेश और जज जय अखिलेश बता देना जज जय, और मायावती ठंडी पड़ी बिल्कुल बर्फ की तरह बोल रही ना, नो नो ठंडी पड़ी, और चमार देख लिया तो चमार गया कोई आंदोलन में किसान के है ना, क्यों नहीं गए नहीं सवाल एक नहीं किया, तुझे बता दे रहे हम समीकरण किए है जो मैंने तुझे बताया सही कह रहा हूँ, हाँ आजम का ओवैसी के साथ पैर रखते ही सारा मुसलमान पलट जाएगा, तो ये जो है ओवैसी जेल में मिल के आया, ये मत पूछे सारी बात, अच्छा तो बोल खोल लगा यार, ना मैं किससे खोल दूंगा यार, पोल बिला फालतू में खोल दूंगा यार, मैं किसी के पास बैठ रही हूँ पोल खोल दूंगा, आजम खान की मुलाकात जेल से बाहर हुई है, जेल से बाहर, हाँ अच्छा जेल से बाहर हुई है, ये समझे और कराई गई है मुलाकात, अच्छा खामोशी से, अच्छा तारीख वारीख तारीख वारीख पे आए होंगे तो रस्ते में हुई होगी, हाँ हाँ ये उसकी वजह ना जेल से रिपोर्ट हो जाएगा, ओवैसी के मिलने का रिकॉर्ड बन जाता जेल पर, इसलिए बात तय हो गई थी जेल पर नहीं मिल जाएगी होगी रास्ते में होगी, तो ओवैसी आजम भाई की गाड़ी में चला बहुत देर, अच्छा हाँ ये समझे ओवैसी गाड़ी पीछे चली दूर और ओवैसी इसी की गाड़ी में बैठ गया और बात के साथ से सब हुई है अंदर सामने, तो जब ये आ जाएगा वैसे के साथ आजम तो तू मानता ही होगा ये पर तो मुसलमान को दे देंगे वोट है, हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, बस सपा का सपा के दो जो स्तंभ है पाल भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा आजम तो यार क्या रह गया उधर, सही बात है शिवपाल भी तो आ जाएगा बिल्कुल सही बात है और आजम भी आ जाएगा तो यार और वैसे है ही मगर तो एक बात तो सुनो वो तो जब ये तारीख पर आए होंगे आजम खान तो वो तो पुलिस साथ में होगी पुलिस की गाड़ी में आनी तो सब सेटिंग से हुआ पुलिस भी बात है पुलिस की तो बात ही क्या हुआ ठीक है, अच्छा 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 अच्छा
अरे सब सेटिंग से काम हुआ, अच्छा अच्छा बात हो गई उसके आजम से बस। अच्छा 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 अब चाहे उन्होंने कमरे में बिठा के कराई हो जैसे भी कराई हो या चलते हुए कराई हो, रिपोर्ट तो ये है कि बात चलते हुए हुई है, मगर ये है कि कहीं हो सके कहीं उखड़ी हो क्या है दिक्कत। रिपोर्ट उसके साथ ही है यार, कोई कैमरे थोड़ी लग रहा है साथ। हाँ हाँ सही बात है, को कैमरे लेके चल रहा है वो, सही बात। उसने देखा पोस्ट ने क्या करा, जो उसे लाया उसे क्या नाम है दुबे को, अब किसकी फोर्स के साथ आ रहा था दुबे, और रास्ते में गाड़ी उल्टी करके डाल दिया ना ये भाग दिया राइफल छीन के, कैसे भाग गया राइफल छीन के आजकल, और मार दी बोली उसके जब मारना था तो मार दिया, पुलिस पुलिस की उल्टी सीधी सब हलाल है, पुलिस से कौन ही लग रहा है यार। सही बात, पुलिस चाहे तो आजम खान को रास्ते पर जांच कराती मिला रहे, पुलिस तो पुलिस ही है भाई। अच्छा आजम खान ने सब पुलिस वालों को रखा, पुलिस वालों को भर्ती कराया आजम खान ने, तो फिर आजम खान के पुलिस वालों पर असर भी है यार, सब कुछ है। ये है समीकरण जो मैंने तुझे बताया, सारा दूध बिक के गंगा में गिर जाएगा, अब गंगा एक हो जाएगी। सही बात, ये जो जुल्फों में हाथ डाल लिया ना अगले, इसकी बस्ती भाग जाएगी तू देख ली। 21 लगने वाला, हाँ 21 लगने वाला, 21 के आखिर में काम हो जाएगा सारा जो तुझे बताया, 21 के आखिर में सब काम हो जाएगा, 10 महीने में 11 महीने में बस। और एक बोर्ड पे लिखा हुआ होगा, एक तरफ मायावती का फोटो होगा, एक तरफ होगा आजम खान का और उसका वैसी का और शिवपाल का, सबसे बड़े बड़े फोटो बीच में होंगे सबसे। हाँ दोस्त मेरे दिखा देंगे तुझे हम, कांग्रेस सपा से मिल जाएगी जब भी, जब और बयाद बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर सपा से मिल गई ना कांग्रेस तो जो कुछ पैसा कुछ होगा वो भी साफ हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, एक आदमी है बहुत बढ़िया वाला, उससे चल रही मेरी बातचीत। अच्छा, वो उन्होंने मुझे सारा ये बताया गणित जो मैंने तुझे बताया। अच्छा, बहुत ऊंचा कलाकार है सियासत का। अच्छा, ये सारा गणित बता के चला गया, ये है गणित। और बोले जब मैं कहूँ तुम लोगों से जो कुछ वैसे हो जाइए। और बात बताऊँ तुझे, बड़ा देखी राजकिशोर को तो जानते होगा थोड़ा बहुत, किसे ठाकुर राजकिशोर, राजकिशोर हाँ जाने। हाँ 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 बस ये समझ ले कि मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। अगर तू यू कहे ना कि मुरादाबाद बुला देगा, ना बुला दू अपने बाप से कहना। हाँ हाँ सही बात, अगर तू यू कहे ना मुरादाबाद बुला दे ना बुलाऊ तो अपने बाप से पैदा नहीं। आज मेरा वो असर है वहाँ, सही कह रहा हूँ, और वो BSU में चले गए। अच्छा, कांग्रेस में आ गए थे ना, वो कांग्रेस में आ गए थे। अच्छा, लोगों ने उनकी मुखालफत करी कि यार ये बहुत ताकतवर है वहाँ पूरम में, उन्हें ये जम गया तो हमें बेकार कर देगा, पूरम वालों ने बहुत मुखालफत करी उससे, प्रियंका से। प्रियंका ने बना लिया था राजकिशोर को सलाहकार अपना। अच्छा, मेरी मुलाकात भी हो गई थी एक बहुत शानदार। अच्छा हाँ, बुला के उन्होंने मुझे बुलाया था, बस्ती में गया था, मुलाकात कराई थी मेरी बहुत अच्छी वाली, और मेरी मुलाकात के बाद ही बात बिगड़ गई इनकी। अच्छा, मायावती का इन पर फोन आ गया, मायावती को पता चला गया, उससे प्रियंका से बात बिगड़ गई, तो ये मायावती सरकार से तो आए थे यहाँ, मायावती मायावती में थे। हाँ, तो ये उससे लड़के आए थे, क्या नाम है उसका, सतीश मिश्रा थे। तो फिर सतीश मिश्रा ने और मायावती ने दिल्ली बुलाया दोनों ने मिलकर, आ जाओ हमारी गलती हो गई थी, आ जाओ यार। ये घर अपने भैया को ले गए, वो भी मंत्री था छोटा वाला, वो क्या नाम है उसका, वो है डिम्पल, डिम्पल हाँ डिम्पल, और ये दोनों चले गए, इसका बेटा हुआ है पंचायत अध्यक्ष बस्ती का। अच्छा, तो ये तीनों चले गए बाप बेटे और भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, और जाके मायावती ने इनके हार पहना दिया और कह दिया अपने घर वापस आ गया, तुमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, और देख राजकिशोर एक बात सुन ले, मैं अगर किसी वजूद में आई तो सरकार में जो सबसे बड़ा पद है वो तुझे दूंगी मैं। अच्छा, सरकार का जो बड़ा पद होगा वो तुझे मिले, वो मतलब मिनिस्ट्री वो दूंगी मैं तुझे। सही बात है, चले गए ये सब, सारा खानदान चला गया पूरा, और इनके जितने भी समर्थक थे वो भी सारे चले गए। अच्छा अच्छा, नहीं समझे। अच्छा, मेरा मामला राजकिशोर से बिल्कुल सगे भाई की तरह हो गया। हाँ, वो तो मतलब मेरे पे जान छिड़ गया, मैं बताऊँ तुझे। हाँ सही बात है, तो जब कोई मौका होगा ना, कोई सा भी मौका अगर हम देखेंगे तो
तो हम बहुत अच्छे पदों पे जाएंगे और इज्जत के साथ जाएंगे। अब तो प्रियंका की सुन ले, जब तुम उससे दस्तखत करा ले, अगर तू कांग्रेस में आऊ ना तो प्रियंका करेगी यहाँ के, तेरा वो क्या नाम है, वो क्या कह रहे हैं उसे साले को, ज्वाइनिंग क्या लिखवा लेना मुझसे, प्रियंका और गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर को बुलाऊंगा, ना बुलाऊं तो मुरादाबाद छोड़ दूंगा, आ जा। मुझसे कहा उनने, एक बड़ा खास आदमी मेरा प्रियंका का, बोले ज्वाइनिंग करा लो, जिसको तुम कहोगे प्रियंका के साथ उसे और बुला देंगे, प्रियंका आ गया, जहाँ तुम प्रोग्राम रख दो वही बुला देंगे प्रियंका को। तो आईटी ऑफिस पर कह रहा था, बोले आईटी ऑफिस पर रख दिए, इन्हें बुला देंगे सबको हम, या गवर्नमेंट गाड़ी में रख लिए। मैंने कहा जब हम कांग्रेस में जाएंगे जभी तो, सही बात है, हमें एकदम बड़ी चिड़िया जब हमें सामने दिख रही है पूरे हालात, तो हम मतलब मरे भी और बेमौत मरे, ऐसा ना करते। मैंने कहा भैया बहुत कुछ जब आदमी हम सियासी बचपन के, कोई आज सियासी थोड़ी बने, उसकी बस क्या करते हमारे, तो अगर कोई गाँव देखूंगा ना बढ़िया तो हटक पटक कर दूंगा फौरन, और तुझे लेके दूंगा और ऐसा लेके जाऊंगा जो मुरादाबाद के दांत खट्टे करा दूंगा, नहीं समझा, बस इसलिए बुरा बात कर ले, चुप करा पड़ा अभी हम कुछ नहीं कह रहे। पहले तो तुमने देखा होगा सपा का नाम ही लेना छोड़ दिया, छोड़ दिया ना, ये बात सही है, किसी प्रोग्राम में किसी जगह कहीं भी। हम भी जो है अखिलेश जी के और डिंपल जी के मुंह को मतलब ये बस साला वो करे हैं, बाकी तो कोई वो ही नहीं है, कोई पार्टी का कोई भी नेता मतलब वो हमारे मुंह को कौन सा कुछ कर रहा है, मुरादाबाद में तो कोई पार्टी का नेता इस काबिल ही नहीं है जो कि मतलब ये कार्यकर्ताओं की कोई सुध-बुध ले, या मतलब ये किसी तरह का कोई देखे कि कोई परेशानी हाल है या नहीं है। भैया आप हमें ये बता दो, यह बिल बन के आया, हाँ वो कौन सा कुछ कर दिया, सही बात है। देखो मैं आपको बता दूं, इनने जरा जरा से नेताओं के साथ मंच पे फोटो खिंचवाए, और जब भी हमने तुमने किया इनने कोई फोटो खिंचवाया भी तो अलका शाह के खिंचवाया, कभी तो खुशी खाने खिंचवाया अलका शाह के खिंचवाया, कभी टेढ़ा खड़ा हो गया कभी सही, और बच्चों को ले गया कई कई फोटो इनने कामिल मंसूरी के साथ खिंचवाए कई कई, नहीं समझो वो डालता रहता वक्त वक्त पर, तुमने देखा होगा, और दुकान पे भी लगा रखे हैं अपने, और तेरे आजम के साथ भी ले, और बस जरा जरा से कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ कभी हमारे साथ मंच पर खिंचवाए थे फोटो ना, अबे जो इसका वो है उसमें मीटिंग हॉल ने कभी हमारे साथ ऊपर ले जाकर फोटो खिंचवाया तेरे ना, तो सलाउद्दीन हमारा काय का खास है तू बता दे मुझे, हाँ ये बात अखिलेश हमारा खास और डिंपल हमारी खास है, तो काको खास है जब हमारा मैंने फोटो भी खींच सकता, तो यार हम तो लाखों करोड़ रुपये उठाए हुए थे उससे, तो यार हमें रिस्पॉन्स ही ना दे दिया जरा सा भी, तो ना दे दिया तो जा हमने भी ऐसे कर दिया, हम लखनऊ गए अखिलेश से ना मिले, कई बार गए हम लखनऊ ना मिले अखिलेश से, हम किसी दिन भी जाके क्या करेंगे मिलकर, अदाकारी से मिलेगा फोटो नहीं देगा, अदाकारी से मिलेगा घंटों लाइन में लगेंगे और दो बात सुने, बात नहीं सुनता दो यार, कुछ कहना क्या लिया तू या मैं तो सुने कहीं, वो तेरे साथ में दस दबे गया, किस दबे सुना बता दे मुझे, नहीं 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 सुनते नहीं सुनते, दस दबे तू और हम ऐसी मुंह की खा के लौट गया नहीं सुन। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।